इस समय मैं हूँ पानीपत के सनोली यमुना पुल पर। ये जो आप देख रहे हैं यही है यमुना जी का पुल जो हरियाणा को यूपी से जोड़ता है और हरिद्वार जाने का पानीपत से ये मुख्य मार्ग है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान और आप सभी का स्वागत है सनोली यमुना जी के घाट पर। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं यमुना जी के घाट पर जाने का मुख्य रास्ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं यमुना जी के घाट पर और करेंगे माँ यमुना जी के दर्शन और आपको भी करवाएंगे। आज है जेठ का दशहरा और जेठ के दशहरे पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है और इस समय यमुना जी के घाट पर चल रहा है स्नान मेला और यहाँ पर भारी संख्या में कर रहे हैं यमुना जी पर स्नान। तो अभी हम जा रहे हैं यमुना जी के घाट पर, आपको भी करवाएंगे यमुना जी के मेले के दर्शन। ये यहीं से है यमुना जी के घाट पर जाने का मुख्य रास्ता और सभी स्नान करने वाले यात्री इसी रास्ते से नीचे जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। आप सभी से एक मेरी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर आखिर तक बने रहें। इतनी गर्मी के समय में भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है स्नान करने वालों की। ये दोनों तरफ यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ स्नान करके लौट रहे हैं और कुछ स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश में स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। वीडियो को आखिर तक देखें माँ यमुना जी के दर्शन करने के लिए और माँ यमुना जी के दर्शन करें और आप भी पुण्य के भागी बने माँ यमुना जी के दर्शन करके। यहाँ पर खिलौनों की बहुत ही ज़्यादा दुकान लगी हुई है, आने जाने वाले यात्री यहाँ से बच्चों के लिए खिलौने खरीद रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और यात्री यहीं से प्रसाद खरीदकर माँ यमुना जी को प्रसाद चढ़ाकर अपनी पूजा करते हैं। दोस्तों आज है जेठ का दशहरा और हमारे देश में जेठ के दशहरे पर स्नान करने का एक विशेष महत्व है और परंपरा है। आज के दिन हरिद्वार, गंगा, यमुना और भी बहुत से तीर्थ स्थान है जहाँ पर आज के दिन भारी संख्या में लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। ये झूले यमुना जी के बिल्कुल घाट पर ही लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं और झूले का आनंद ले रहे हैं। बस अब हम कुछ ही देर में यमुना जी के घाट पर पहुँचने ही वाले हैं। यहीं से सामने नजर आ रहा है यमुना जी का घाट जहाँ पर लोग लगा रहे हैं श्रद्धा की डुबकी। यमुना जी को जमुना जी भी कहा जाता है। कहा जाता है आज के दिन जेठ के दशहरे पर गंगा और यमुना में स्नान करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। यह आप देख रहे हैं समय कितनी भारी संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। इस समय यमुना जी में पानी बहुत ही कम है। ये देखिए दोस्तों इस समय यमुना जी में कितनी भारी संख्या में स्नान कर रहे हैं। वो देखिए कितनी दूर तक यात्री स्नान कर रहे हैं यमुना जी में। ये दूसरी तरफ है यूपी का क्षेत्र, उस साइड में है यूपी की तरफ, उधर भी स्नान लोग बहुत संख्या में कर रहे हैं। और यह है यमुना जी का पुल जो पानीपत से हरिद्वार की तरफ जाता है।
कितनी ज़्यादा भीड़ है इस समय यहाँ यमुना जी के घाट पर, और लोग लगा रहे हैं श्रद्धा की डुबकी जेठ के दशहरे पर गर्मी के समय में। लगातार यात्री स्नान करके जा रहे हैं और स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ बनी हुई है यमुना जी के घाट पर। चलिए कुछ और आगे चलते हैं, क्योंकि आगे भी दूर घाट तक यात्री स्नान कर रहे हैं, वहाँ का भी देखते हैं कुछ सुंदर दृश्य। यह यमुना जी का घाट पानीपत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर ये इस समय जेठ के दशहरे का स्नान मेला चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, वहाँ तक दूर आगे तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस समय यात्रियों की, स्नान करने वालों की। ये देखिए यहाँ पर यमुना जी के किनारे पर लोगों ने प्रसाद चढ़ाकर पूजा की हुई है, और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं आज जेठ के दशहरे पर। इस समय यहाँ पर बुजुर्ग बच्चे महिला सभी आए हुए हैं यमुना जी पर स्नान करने। ये देखिए बच्चे कैसे यमुना जी में खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कर रहे हैं पूजा और चढ़ा रहे हैं प्रसाद। ये देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग महिला सूर्य देव जी को जल दे रही हैं। यमुना जी के घाट पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर हरिद्वार की याद आ जाती है। इस समय हरिद्वार में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ भी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोगों की भीड़ नज़र आ रही है, पूरी यमुना जी के अंदर तक फैली हुई है भीड़ इस समय स्नान करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय यमुना मैया, जय यमुना जी।